उज्जैन की भू अभिलेख अधिकारी प्रीति चौहान द्वारा कालिदास अकादमी में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस चित्र प्रदर्शनी में प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा विलुप्त होती प्रजाति के पक्षियों को दिखाया गया है। खास बात यह है कि इस चित्र प्रदर्शनी में बिकने वाली तस्वीरों की राशि सामाजिक संस्था नित्य नैवेद्यम परमार्थ को दी जाएगी। सामाजिक संस्था रामघाट क्षेत्र में प्रतिदिन निःशुल्क भोजन वितरित करती है। यह चित्र प्रदर्शनी 12 मार्च से 14 मार्च तक लगी रहेगी। सुबह 11 से रात्रि 8 तक कोई भी शहरवासी इस प्रदर्शनी को देख सकता है। खास बात यह है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपनी शासकीय सेवा के बाद समय निकाल कर फोटोग्राफी की ओर रुचि रखने की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। एग्जीबिशन लगाई गई है, किस प्रकार से एग्जीबिशन और कितने चित्र इसमें समाहित? ये जो एग्जीबिशन है ये नेचर से रिलेटेड है। इसका जो नाम है निसर्ग से साक्षात्कार रखा गया है। ये बेसिकली जो मेरा मार्किंग है प्रीतिस क्लिक, जिससे मैंने नॉर्मली मोबाइलोग्राफी कहना चाहिए करते करते काम शुरू किया था, और कैमरे के ये सारे मैक्सिमम क्लिक्स हैं। इसमें पूरा आपको प्रकृति दिखेगी, बर्ड्स दिखेंगे, और सबसे खास बात है मैक्सिमम इसमें आपको उज्जैन के बर्ड्स दिखेंगे। कुछ एक हैं मेरी कम से कम 4 या 5 फ्रेम्स से जो बाहर किए हैं, बाकी इसमें मैक्सिमम उज्जैन का पूरा आपको नेचर दिखाई देगा। और 77 फ्रेम्स हैं यहाँ पे जो लगी हुई हैं, जिसके अंदर आर्किटेक्चर कुछ हमारे बिल्डिंग्स हैं उनको हमने थोड़ा सा मोनोटोनी तोड़ते हुए थोड़ा एस्थेटिक सेंस में लिया है। बाकी आपको सनराइजेस, मून, आपकी तितलियाँ, बर्ड्स सब कुछ दिखाई देगा यहाँ पे, जो आपको सूद करेगा, पीसफुल है। प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ आपका एक रुझान भी इस तरह में, किस प्रकार से आपका मन इस चीज़ में लगा है? ये थोड़ा बताना कठिन है, बट हाँ इनहेरेंट या कह लें अंदर से कुछ हमेशा से थोड़ा सा आर्टिस्टिक, थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस मुझमें है। हालांकि मैंने इसको सीखा नहीं है, करते करते सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, और करते करते ही बस ये हो गया है, ये प्लान नहीं है। लगभग कितने क्लिक के बाद में आपको 77 फ्रेम मिला? हाँ बहुत सारे, मतलब अगर एक बर्ड का अगर आपको कोई एक अच्छा फ्रेम चाहिए तो पेशेंटली आपने उसके कम से कम 5 तो खींचे ही होंगे, तब जाके आपको कोई एक बहुत लाजवाब सा उसका एक फ्रेम मिलता है अच्छा सा, जो आप चाहते हो कि थोड़ा यूनिक सा कुछ अच्छा मूवमेंट मिल जाए आपको। थैंक यू। एक्चुअली हमारी संस्था नित्य नैवेद्यम पिछले 2 वर्षों से रामघाट बॉम्बे वाली धर्मशाला के बाहर भोजन वितरण महाकाल बाबा के प्रसादी के रूप में सभी आगंतुकों को करते हुए आ रही है। इसी तारतम्य में हमारी प्रीति दीदी जी हमारी संस्था से जुड़ी और उन्होंने हमारे कार्य को सराहा, और सराहने के बाद उन्होंने हमसे प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी जितनी भी कलाकृति पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफी है, वो नित्य नैवेद्यम को समर्पित करना चाहती हूँ। फिर हमारी संस्था ने दीदी की एग्जीबिशंस लगाई है, और इससे जो भी पेंटिंग्स का हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो हमारे सोशल कॉज के लिए उन्होंने डोनेट किया है, इसके लिए हम दीदी को साधुवाद भी करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि इस सेवा भाव में हमारे साथ में जुड़े और लोगों को सेवा का मौका दें, करने का मौका दें। मैं अभिलाष जैन, नित्य नैवेद्यम संस्था का अध्यक्ष, उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।